हेलो गाइस, हमारे ये पहला व्लॉगिंग है और हम जो है आज शुरुआत कर रहे हैं अपने कॉलेज आपको विजिट करवाने वाले। चार साल आने वाली कॉलेज लाइफ, हमारे आने वाले चार साल कहाँ गुजरने वाले हैं। चार साल नहीं, 3.5 साल। अरे साले, 4 साल यार, एक सेमेस्टर पार हो चुके हैं और हमने थोड़ा लेट से ही ब्लॉगिंग शुरू की है, तो सोच रहा हूँ कि हम पहला वीडियो हमारे कॉलेज पे ही बनाऊँ ताकि तो अभी हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं। अभी हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं, आप जैसे देख सकते हो हमारे राइट में ये फ्रूट कॉर्नर है। हेलो गाइज, तो अभी हम आए हैं फ्रूट वाले भैया के पास कुछ फ्रूट्स खाने। ये देखो गाइज, हमारी बन रही है फ्रूट चाट और ये हमारे अंकल जी बना रहे हैं। क्या क्या डाल रहे हैं अंकल जी? सेब, केला, पपीता, अनानास। अमरूद नहीं है? अमरूद नहीं। अच्छा, तो गाइस, तो हमारी फ्रूट चाट बनके रेडी हो गए हैं, हमारे अंकल जी ने बना के हमें दिया है, ठीक है, और हम अभी खाने वाले हैं क्योंकि हमारे जो हॉस्टल में कुछ ऐसे खाने नहीं मिलते हैं जो इससे हमें क्या हो कि हम हेल्दी मिले, हेल्दी रह सकें। इसलिए हम यहाँ पे आते हैं फ्रूट खाने ताकि हम हमारे हेल्थ में कोई हमारे जो अच्छे रह सकें। तो हमने अंकल जी को बोला था 1 प्लेट, तो अंकल जी ने हम गलती से बना दिया 2 प्लेट। हम अभी 2 प्लेट खाने वाले हैं, हम लोग 3 भाई मिल के। तीन भाई को दिखा दे, ये ऋत्विक, दिस इज योर प्रियांश, ये है हमारे करण, ये हमारे करण भाई, और हम तीनों मिलकर अभी खाने वाले हैं फ्रूट चाट। और ये फ्रूट की जो प्राइस है वो सिर्फ 25 रुपीज पर प्लेट है। 25? हाँ। तो भाई हमने खाना शुरू कर दिया और हम आपसे खा के मिलते हैं, ठीक है। तो भाई हमने अपने फ्रूट चाट खत्म करके अब हम, क्योंकि हमारे क्लासेस तो अभी तक लगी नहीं है तो हमें पता नहीं है हमारे क्लासेस आज भी लगेंगी कि नहीं लगेंगी, फिर भी हमारे ऋत्विक भाई ने बोल रहा है कि क्लास लगनी है तो शायद लगनी होगी। तो देखिए, हमारे दो और फ्रेंड्स है, मेज से खबर आया है अंडा का भुजिया खाया लड़का, भुजिया सारे कल पता है। मैं हूँ प्योर वेज और हमारे मेस वाले ने मुझे गलती से पनीर भुर्जी की जगह पे अंडा। अब हम फिजिक्स लैब जा रहे हैं, हमारी जीडी की क्लास लगने वाली है। हाँ, तो वही जा रहे हैं, रास्ते में है और क्या। पहले तो कहीं जीडी पड़ा है हमारे साथ में, लेफ्ट साइड में। हेलो गाइस, जैसा कि हमने आपको बताया था कि अभी हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आप लोग घुमाने वाले हैं, तो अभी हम उसी की ओर अब जा रहे हैं और हमारे हेल्प के लिए हमारे एक फ्रेंड भी मिले हैं जो कि नाम है आरुनी। और चलिए आपको दिखाते हैं हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि हमारे कॉलेज की जान है और हम भी एक एथलीट्स हैं, तो हमें भी जो स्पोर्ट्स है बहुत पसंद है, जैसे कि हमें फुटबॉल बहुत पसंद है तो हम फुटबॉल वहाँ पे खेलते हैं। और चलिए दिखाते हैं आपको। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. और वो हम पहुंच गए हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि हमारी दिख रही है, जो कि आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये जैसे कि हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो रही और हमारी ये फुटबॉल ग्राउंड जो कि 200 मीटर की है और यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो कोई नहीं है क्योंकि इवनिंग का टाइम है, और अदरवाइज़ अगर आफ्टरनून का टाइम होता है जब कॉलेज आवर होती है तो वहाँ पे सिर्फ कपल्स ही दिखते हैं। तो और कभी कभी इवेंट जो होती है, जो इवेंट में पार्टिसिपेट हमारे जिम बॉय भी लेते हैं आरुनी, और ये अभी जा रहे हैं जिम। देखो गाइस, ये हमारी जिम जो कि बहुत ही लेस एक्सपेंसिव है और till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. So
गाइस हम अपनी ब्लॉगिंग आज की यहीं से समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉगिंग में, और तब तक के लिए कीप कनेक्टेड ब्लॉगिंग, कीप ब्लॉगिंग ब्रदर्स। सब्सक्राइब करने के लिए बोल दे भाई, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो। आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट।